मुंबई एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने नारकोटिक्स ब्यूरो कई अधिकारियों पर उत्पीड़न का संगीन आरोप लगाते हुए सनसनी फैला दी। उधर मुंबई एनसीबी को 50 करोड़ रुपए की 7 किलो कोकीन जब्त करने में एक और सफलता मिली है। इधर कांग्रेस को आखिरकार 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए। मुंबई एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने विजिलेंस टीम के हेड ज्ञानेश्वर सिंह सहित नारकोटिक्स ब्यूरो के कई अफसरों पर संगीन आरोप लगाए हैं। वानखेड़े ने इस मामले में राष्ट्रीय उत्पीड़न और अत्याचार आयोग से शिकायत भी की है। बता दें कि समीर के खिलाफ विजिलेंस टीम ने अपनी एक रिपोर्ट एनसीबी के डायरेक्टर को सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया कि समीर व उनके अधिकारियों ने कार्रवाई लिए क्रूज मामले में गिरफ्तार किए गए आरन खान ड्रग्स केस में भारी अनियमितता बरती है। इस मामले में संदिग्ध अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जाँच भी शुरू की गई है। मुंबई एनसीबी द्वारा चलाए गए अभियान में बुधवार को 50 करोड़ रुपए की 7 किलो कोकीन जब्त की गई है। इस सफलता के बाद एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि हम एनसीबी के चरित्र बदलना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि बड़े नेटवर्क और माफिया को पकड़ा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना काल के बाद कुरियर डिलीवरी बढ़ी जिसके कारण अपराधों में बढ़ोतरी हुई। एनसीबी एनडीपीएस अपराधियों का डाटा तैयार किया जा रहा है जिसे नादा नाम दिया गया है। इस डेटा में अपराधी के जेल में बंद सभी एनडीपीएस अपराधियों की पूरी जानकारी होगी ताकि कोई पकड़ा जाए तो उसकी कुंडली तत्काल सामने आ जाए। National Integrated Database on All Arrested Narco Offenders। जैसा कि आप लोगों को मालूम हो 2016 में सेक्सुअल ऑफेंडर्स का एक डेटाबेस बनाया गया था, उसी की तर्ज पे हम लोगों ने नार्को ऑफेंडर्स का एक डेटाबेस बनाया है। जो कोई भी एक दिन अगर एनडीपीएस केस में जेल में बुक होता है तो डेटाबेस में ई प्रिजन में उसका डिटेल कैप्चर किया जाता है। उसी को हम लोगों ने संग्रहित करके एक इंडिया बेस्ड डेटाबेस बनाया है जिसमें लगभग 5 लाख ऑफेंडर्स हैं। उनके संबंध में उनके पर्सनल डिटेल्स, उनके क्राइम के डिटेल्स, बैकग्राउंड, उनके नेटवर्क के इंफॉर्मेशन, ये काफ़ी जानकारियां जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मुश्किल होती थी हासिल करने में अब विद अ क्लिक ऑफ माउस हासिल हो सकती है। कांग्रेस को 24 साल बाद आखिरकार गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया। खड़गे को 9,797 वोट मिले जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट से संतोष करना पड़ा। 416 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। नतीजों के ऐलान के बाद मुंबई के कांग्रेस दफ्तर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का पटाखे व आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया गया। नतीजे के तुरंत बाद थरूर ने खड़गे को बधाई दी और अपना साथ देने वाले को धन्यवाद दिया। इसके कुछ देर बाद वो उनसे मिलने उनके आवास दिल्ली पहुंचे। हालांकि उनके चीफ इलेक्शन एजेंट सलमान खोज ने वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया था।